बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो है ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम है जो कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइन शेखुपुरा में दाखिला लेने के लिए बड़े बेताब थे। वो वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे उन घड़ियों का कि कब जो है वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइन शेखुपुरा में दाखिले जो हैं, एडमिशन जो हैं वो ओपन हो। तो उनकी इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म होती हैं। अब जो है वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइन शेखुपुरा में तो वो दाखिला ले सकते हैं, दाखले के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। तो दाखले के लिए अप्लाई करने की अगर बात की जाए डेट की, तो 1 अक्टूबर से जो दाखला है इसका ओपन हो जाएगा, एडमिशन जो है वो ओपन हो जाएंगे। मींस के कल से आप जो है वो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो ये था कि आप जो है वो आप कॉलेज जाके आपने प्रॉस्पेक्टस लेनी है, फॉर्म लेना है, फॉर्म फिलअप करके आपने सबमिट करवाना होता है। लेकिन इस दफ़ा क्या था, इस दफ़ा क्या हो गया, इस दफ़ा जो है वो कोविड-19 की वजह से दाखिला जो है, एडमिशन जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया है। दाखिले का तरीक़ाकार जो है वो ऑनलाइन है। आप इनकी वेबसाइट ये जो www.gcbskp.education.pk पर आप विज़िट कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर प्रोग्राम्स की, अगर 4 साल डिग्रीज़ जो हैं, जो प्रोग्राम्स हैं जो अवेलेबल हैं इनकी अगर बात की जाए, जिनमें बीएस फिज़िक्स, बीएस जोलॉजी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस आईटी, बीएस रियाजी, बीएस इंग्लिश, बीएस उर्दू, बीएस इस्लामियात, बीएस सियासियात, बीएस हाशियात, एडीपी कॉमर्स, बीकॉम वगैरह जो हैं वो शामिल हैं। इन जो प्रोग्राम्स हैं, इन 4 साल प्रोग्राम्स हैं, इनके लिए आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के बाद इसमें जो है वो आपको एक परसेंटेज भी दिखाऊंगा कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो इतनी परसेंटेज है तो आप इन जो है वो कोर्सेज में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो अगर जो है वो इस कॉलेज की अगर आपको जो है वो कुछ मज़ीद बताऊँ, तो इसमें जो है कॉलेज में जो है वो बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त रखा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर आप जो है वो पढ़ सकते हैं, साबका सालों के बेहतरीन नतायज हैं, मुस्तहिक तलबा के लिए माली अमदाद की जाती है, बेहतरीन साइंस लेबॉरेटरीज़, 35,000 कुतब पर मुश्तमिल लाइब्रेरी, बेहतरीन कुशादा और सेहतमंदाना माहौल, निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों की सहूलत, तमाम खेलों के लिए प्ले ग्राउंड, PhD MPhil क्वालिफाइड और तजर्बाकार साथजा। तो ये जो है इसमें अगर बात की जाए तो कॉलेज जो है ये गवर्नमेंट है और बेहतरीन जो है वो साथजा कराम हैं जो कि आपको पढ़ाएंगे और एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है कि आप जो है वो इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसको गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइन शेखुपुरा को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन का तरीक़ाकार भी आपको मैंने बता दिया है कि आपने जो है वो किस तरह एडमिशन फॉर्म जो है वो फ़िलअप करना है, इसका जो है वो ऑनलाइन अप्लाई है। इसकी आप जो है वो वेबसाइट पर, वेबसाइट का नाम भी मैंने मेंशन कर दिया है, फिर भी डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट जो है वो मेंशन कर दूंगा। वेबसाइट पे आप जो है वो क्लिक करके, आप जो है वो वहाँ पर विज़िट करके आप ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। इसके अलावा इस दफ़ा जो है ये सहूलत भी दे दी गई है कि BS मॉर्निंग के अलावा जो है वो BS इवनिंग जो है साइंस मज़ामीन में भी होगी। तो इसकी भी आपको जो है वो डिटेल में जो है वो बता। तो स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि अगर तो आपने जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट के लिए अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपकी जो परसेंटेज है मार्क्स की वो 74.47% होनी चाहिए। अगर BS फिज़िक्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 70, ये आप जो है वो रीड कर सकते हैं। अगर मैं रीड आउट करूँगा इन सब को तो वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। मॉर्निंग लिस्ट में जो है वो आपकी परसेंटेज इतनी अगर होगी तो आप जो है वो इन कोर्सेज में जो है वो सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर दूसरी बात की जाए इवनिंग शिफ्ट की, तो इवनिंग शिफ्ट में जो है प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो है BS IT, BS फिज़िक्स, BS केमिस्ट्री, BS मैथ, BS जोलॉजी, इसमें BS उर्दू, BS इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, इस्लामियात, ये शामिल नहीं है, ठीक है। इवनिंग में ये आप जब सब्जेक्ट्स वगैरह देख सकते हैं कि कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि आप, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनके आप लिए आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसकी परसेंटेज भी सामने मेंशन कर दी गई है, ये भी आप जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी इस शॉर्ट सी वीडियो में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो में थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।